जय जोहार, मैं लता जंगेल, सीजी ब्लॉगर लता अरुण में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को एक ऐसे गार्डन में ले जाना चाहती हूँ जहाँ पूरा वातावरण हरियाली है, जिसका नाम है ऑक्सीजोन। तो चलिए चलते हैं। तो हम लोग पहुँच चुके हैं ऑक्सीजोन। यहाँ सुबह 5 से 9 और शाम को 4 से 8 रहता है। तो यहाँ पर निःशुल्क योग शिविर भी लगता है। यहाँ बहुत सारे संस्थाएं निःशुल्क योग शिविर यहाँ करते हैं। तो ये देखिए ऑक्सीजोन का कितना सुंदर वातावरण है। चारों तरफ हरियाली है और रंग बिरंगी पत्तों वाली बहुत सारे, ये देखिए ये फूल पत्तियाँ देखने को मिलेंगी। इस गार्डन में चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। यहाँ पर बहुत सारे फूल पौधे लगे हुए हैं, इसीलिए इसका नाम ऑक्सीजोन रखा गया है, क्योंकि बहुत सारे फूल पौधे पेड़ पौधे सब लगे हुए हैं तो ऑक्सीजन देते हैं, तो इसीलिए इसका नाम ऑक्सीजोन रखा गया है। यहाँ का जो वातावरण है बहुत ही शुद्ध है, क्योंकि चारों तरफ खुला है, बिल्कुल खुला खुला वातावरण है और शुद्ध हवा आती रहती है। और यहाँ पर जितने भी औषधि पेड़ हैं वो भी लगाए गए हैं और रंग बिरंगे फूल पौधे वाले पेड़ भी लगाए हुए हैं। इस गार्डन में हर एज के लोग आते हैं और यहाँ टहलते हैं। जिसको जैसे जमता है उस हिसाब से सभी लोग, जो दौड़ना चाहते हैं वो दौड़ते हैं, जो चलना चाहते हैं वो चलते हैं, और जो चलकर और दौड़कर थक जाते हैं तो बैठने की भी व्यवस्था है। ये देखिए जो शेड बना हुआ है ना, यहाँ पर बैठ के रेस्ट भी कर लेते हैं, और जिनको एक्सरसाइज करना रहता है वो एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। तो ये देखिए कितना सुंदर वातावरण है। यहाँ आने से ही मन को ही इतना अच्छा लग जाता है कि आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे डेली आने के लिए। तो ये देखिए इस प्रकार का बहुत सारा गेट बना हुआ है, चारों तरफ 5 से 6 गेट बना हुआ है, बहुत ही बड़ा बड़ा। आपको जिस तरफ से भी सुविधा हो उस तरफ से आप एंट्री कर सकते हैं। तो ये देखिए बहुत ही सुंदर, हर तरफ से जिस तरफ आपकी आंखें जाएंगी उस तरफ पूरा हरा भरा नज़र आएगा। यहाँ मेंटेनेंस भी बहुत ही अच्छा है, पेड़ पौधों को भी देखिए कितना सुंदर सजा के रखे हैं। यहाँ आने से ही इतना अच्छा लग जाता है कि आपको बार बार आने का मन करेगा। तो यहाँ पर मैसेज लिखा हुआ है कि कूड़ेदान का उपयोग करना चाहिए करके, तो हर जगह इसी प्रकार का मैसेज लिखा हुआ रहेगा। और बहुत सारे जगह में यहाँ पर कूड़ादान की व्यवस्था भी रखी गई है। यहाँ पर साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो आप लोग भी देख लीजिए इतना सुंदर वातावरण है, यहाँ बैठने की भी व्यवस्था अलग से है। और यहाँ पर लिखा हुआ है मोर रायपुर, क्योंकि हम लोग रायपुर छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो रायपुर के हर जगह में हर कोने में मोर रायपुर लिखा रहेगा। तो इस शेड में मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं अपने दोस्त के साथ, प्राणायाम कर रहे हैं। वो 3 राउंड लगा लेते हैं, उसके बाद बैठकर फिर प्राणायाम करते हैं और सूक्ष्म व्यायाम भी करते हैं। तो चलिए ले चलती हूँ और आगे। तो ये जो सामने है वो मंदिर है, यहाँ पर हर प्रकार की सभी सुविधाएं यहाँ मिल जाएंगी। यहाँ टॉयलेट भी मिलेगा, यहाँ पर 2 से 3 टॉयलेट बना हुआ है। तो ये देखिए छोटा सा मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। इस ऑक्सीजोन के बाहर में मल्टी स्टोरी का मल्टी पार्किंग बना हुआ है। ये देखिए तो ये मल्टी पार्किंग है, यहाँ बहुत सारी गाड़ियाँ आ जाएंगी। तो यहाँ पर एक ग्रुप है, यहाँ पर योगा अलग से हो रहा है, और यहाँ पर बहुत सारे ग्रुप हैं जो अलग अलग योगा करते हैं, और यहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए बहुत सारी मशीनें रखी हुई हैं। तो मेरा बेटा टहलने के लिए निकल गया है 2रे और 3रे राउंड के लिए। मैं 1 राउंड में ही थक जाती हूँ, ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, ज़्यादा चल नहीं पाती हूँ। तो मैं फिर एक्सरसाइज करने लग गई थी, क्योंकि मैं शूटिंग भी कर रही थी, इसलिए मैं अकेले नहीं कर पा रही थी। जितना हो सका उतना मैं शूटिंग कर रही थी अपने लिए, जो मैं एक्सरसाइज कर रही थी उसका अपना जो शूटिंग है मैं ठीक से नहीं कर पाई थी। तो चलिए मैं भी थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो यहाँ पर हाथों के लिए जो एक्सरसाइज है वो कर रही हूँ।
सबसे पहले सीधे तरफ घुमाना चाहिए, फिर उल्टे तरफ घुमाना चाहिए। कभी भी ये वाला एक्सरसाइज करने से कभी भी फ्रोजन शोल्डर का जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर इस प्रकार का मशीन नहीं है तो हाथों को ऐसे ही घुमा लेना चाहिए, पहले आगे की ओर, फिर पीछे की ओर ऐसे घुमा लेना चाहिए। तो भजन हो रहा है वहाँ और इधर हो रहा है योगा, तो यहाँ योगा भी सीखने के लिए आते हैं और जो ट्रेनर है वो अपने हिसाब से इनको सिखाते हैं। मैं तो घर में ही योगा कर लेती हूँ, तो यहाँ पर मैं छोटा मोटा जो एक्सरसाइज है वो ही कर लेती हूँ बस, और प्राणायाम कर लेती हूँ क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ही भरपूर मात्रा में मिलती है, इसलिए यहाँ पर प्राणायाम ज़रूर कर लेती हूँ। कमर दर्द को ठीक करने के लिए मैं एक योगा का वीडियो बनाई थी, वो अपने चैनल में शेयर करी हूँ। अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। सिर्फ 3 एक्सरसाइज करेंगे तो कमर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जिसको जैसे जमता है वैसे एक्सरसाइज करते हैं और योग करते हैं, तो ये देखिए ये लोग भी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो हम लोगों का मॉर्निंग वॉक हो गया है, अब हम लोग जा रहे हैं अपने घर। तो छोटा सा ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।